बजट सत्र शुरू होने से पहले मोदी सरकार को चौतरफा घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर 29 जनवरी को बजट सत्र से पहले दिन संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा, कांग्रेस समेत 16 राजनीतिक दलों की ओर से हम सूचित कर रहे हैं कि 29 जनवरी को संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बहिष्कार करने का फैसला किया गया है। गुलाम नबी ने कहा कि ये फैसला कृषि कानून के विरोध में लिया गया। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170, 9560464170।